अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप सब जैसे जानते हैं कि एज एस हमारा भावने नहीं है। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। आज वीडियो बनाने का मतलब ट्यूटोरियल देना मेन तो नहीं है। एज एस हमार की क्वालिटी और उनकी जो मेहनत है उनको सराहना, यानी उनको सराहना कि वो कितना ज़्यादा मेहनत करती थी, कितना काम करती थी, उनका हमारी ASMR कम्युनिटी में कितना बड़ा हाथ था और उन्होंने कितने लोगों को इनक्रेज किया है कि वो अपना YouTube चैनल बनाए और कुछ कर सकें। ठीक है, मैं तो अपने पेपर्स में थी, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, फाइनल्स चल रहे थे मेरे, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये हो चुका है। तो जब मेरे पेपर्स ख़त्म हुए ना, तो मैंने ना अपना YouTube चैनल खोला, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी ASMR की वीडियोस आज देख लेती हूँ। तो जब जैसे ही मैंने सबसे पहले ASMR हब का जब मैंने कम्युनिटी खोली, तो मुझे वहाँ पर मैंने एक शॉकिंग न्यूज़ सुनी। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है नहीं है। मैं फ़ौरन ASMR के चैनल पर गई हूँ, मैंने देखा है कि उन्होंने कोई वीडियो अपलोड की है नहीं की है। तो मैंने वहाँ पर देखा 3 days ago, यानी उन्होंने 3 दिनों पहले अपनी वीडियो अपलोड की थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इस बारे में बहुत परेशान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो हमारी क्वीन है, उनको हर चीज़ आती है और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि वाटर कितना डालना चाहिए, किस तरह क्रिस्पी कोई चीज़ बनती है, किस तरह क्रंची बनती है। प्योर सीमेंट का उन्होंने हमें इतनी बार ट्यूटोरियल दिया है, हम लोगों से तो सख्त हो जाता है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। येलो कंक्रीट भी मेरा जो मैंने उनके चैनल पे देखा था, तो मैंने कहा मुझे भी कहीं से येलो कंक्रीट लेना चाहिए। तो फिर मैंने बाहर से काफ़ी दूर है जहाँ से, फिर मैंने ना ये येलो कंक्रीट के बारे में पता करवाया वहाँ से मिलता है नहीं मिलता है। तो आखिरकार मुझे येलो कंक्रीट मिल गया। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे ही बनाया तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। ये भी मैंने ASMR के उनके चैनल पर ग्रेनी देखा था, येलो कंक्रीट। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, मेरी फैमिली मेंबर्स भी ASMR के फ़ैन थे, यानी कि वो रोज़ ही उनकी वीडियोस देखते थे। मतलब उनका जो काम था ना वो तो सबसे ही यूनिक था। उनकी साउंड क्वालिटी, उनका माइक, मैं उनसे मैसेज करके पूछती थी आप किस कंपनी का माइक यूज़ करती हैं, आपकी माइक की आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और वो मुझे हमेशा गाइड करती थी आप ये वाला माइक ले लो। तो मैंने उनको काफ़ी दफ़ा कहा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा सपोर्ट किया है। तो मैं कभी भी उनको कभी नहीं हम भूल सकेंगे, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा ही रहेंगी। और गाइड अब मैं आपको ज़्यादा कंप्लीट का ट्यूटोरियल दे दूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, अभी भी मैं बहुत दुखी हूँ। जब भी मैं अपने टेक्सचर्स की तरफ आती हूँ ना, मुझे ASMR याद आती हूँ। मैं देखती हूँ कि उनके टेक्सचर्स, उनका इतना मतलब वर्किंग एरिया ना इनका इतना बड़ा था, उन्होंने काफ़ी दफ़ा हमें टूर भी करवाया है, और उनके टेक्सचर्स का क्या बन रहा होगा और उनके टेक्सचर्स को कौन संभाल रहा होगा। बहुत होता है कि उम्मीद दुआ करते हैं कि शायद उनके चैनल को कोई आगे कंटिन्यू कर पाए। उनके जो टेक्सचर्स हैं, उनका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, और कोई ना कोई इसको कंटिन्यू ज़रूर करे उनकी फैमिली में से, और उनका और इस तरह ASMR कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करें। ये रिलैक्सिंग साउंड्स हैं, हम लोग मज़ा भी लेते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, ये हमारा एक अच्छा टाइम पास है। जब हम सैड होते हैं तब हम ASMR को करना शुरू हो जाते हैं, इतना मज़ा आता है ये मिट्टी को करने में। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम अपने इस काम की तरफ लग जाते हैं। बस क्या कह सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हर इंसान का टाइम लिखा हुआ है, हमारा भी लिखा होगा, सबका लिखा होता है टाइम, और उन्होंने उस टाइम तक ही यहाँ पर रहना होता है। बस एक इंसान की ट्रिप जब आ जाती है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो कब तक हमें ज़िंदा रखना चाह रहे हैं, कब हम ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपनी
इतनी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमने कब तक जीना है, कब तक ये एसएमआर हम करते रहेंगे। जब लास्ट टाइम स्ट्रेस रिलीफ एएसएमआर थी उनके बारे में जब मैंने सुना था, तब भी बहुत मुझे शौक लगा था। वो भी एएसएमआर कम्युनिटी में हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी वो भी, और वो भी हमेशा उनका चैनल मैं देखती थी। बस क्या कर सकते हैं, जब इंसान के लिखी हुई होता है उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं कि उनको सुकून मिले। और ज़रूर देख रही होंगी कि सब उनको कितना याद करते हैं और उनकी बातों को कितना हम लोग याद करते हैं। चलो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें ये येलो कंक्रीट है, अब देखें ठीक है। और इसमें ये सैंड और येलो कंक्रीट में इसका मिक्स है, वैसे इसके अंदर में सैंड ही ऐड करते हैं हम, ठीक है। सैंड जो मैंने ऐड किया ना, उसमें ऑलरेडी सीमेंट मैंने पहले ही ऐड कर लिया हुआ था, क्योंकि उसके साथ ही सारा टेक्सचर क्रिस्प क्रंच हर चीज़ आती है और डस्टीनेस आती है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आप डस्टीनेस इसकी देख रही होंगी, ये सारा सीमेंट की वजह से आ रही है इसकी डस्टीनेस। इसको चीज इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना है उसको कम वाटर ऐड कर, अगर आपने क्रिस्प और क्रंच देना है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वाटर ऐड कर। इसको मिक्स मैंने कर लिया अच्छी तरीके से, इसमें मैंने थोड़ा और वाटर ऐड किया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है ज़्यादा गीला गीला, लेकिन फिर भी काफ़ी वेट हो गया। मैं तो क्रिस्पी से सॉफ्ट क्रिस्प दोनों पसंद करती हूँ, फिर उस हिसाब से वाटर ऐड करती हूँ। ये देखो सिलेंडर बनाते हैं आज हम, तो गाइस अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।